स्पाइसी चिकन स्पेगेटीज, जिसके लिए हमने यूज़ किया है एक पैकेट बॉयल्ड स्पेगेटी, ये मैंने बॉयल कर लिया, और उसके साथ इसमें जाएगा केचप, ब्लैक पेपर, ग्राम काली मिर्च पिसी हुई, हॉट सॉस कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने लिया है सिराचा। उसके अलावा सोया सॉस है, नमक है, मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। उसके अलावा एक कप के करीब इस छोटी बोटियों में बोनलेस चिकन लिए। उसके अलावा इसमें है एक छोटी प्याज, एक दरमियाना टमाटर, टू क्लव्स, दो जो हैं वो लहसुन के जगह, और 1 टेबल स्पून हरा धनिया। सबसे पहले मैं पैन में ऑयल डालूँगी, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपने जो भी लेना है आपकी चॉइस है। सबसे पहले इसमें गार्लिक जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, हल्का सा सौते करेंगे। आग थोड़ी हल्की ही रखेंगे। इसमें मैं प्याज ऐड छोटी प्याज है, बड़ी है तो आप आधी ले लें। कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना। जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसमें अपनी ये चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को इसके साथ फिर आप फिर फ्राई कर लें। साथ ही इसमें नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत। स्पैगेटीज में भी सॉल्ट डाला हुआ है, लिहाजा देख के डालेंगे। फिर सोया सॉस में भी होता है नमक। आप चिकन इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे क्योंकि चिकन इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते तो इसलिए मैंने कम इस्तेमाल किया। और छोटी बोटी लेंगे तो वो जल्दी कुक होगी। अब इस स्टेज पे तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च, इसकी भी
साथ ही टमाटर, इसके साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना सिराचा। टीस्पून जाएगा इसमें सोया सॉस, 2 to 3 टेबलस्पून केचप। तकरीबन 3 टेबलस्पून का अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप, और इसको तेज आंच पे कुक करेंगे, कवर करके फुल आग पे सिर्फ 2 to 3 मिनट्स, ताकि चिकन गल जाए, टमाटर भी। और बीच में चेक करना ताकि कहीं जल ना जाए, लग ना जाए। मैंने चूंकि बोनलेस थाइज नहीं है जो कि जल्दी गल जाती है, गल गई है, वो जल्दी कुक हो जाती है, किस तरह ये सॉफ्ट हो गई। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, तकरीबन अगेन आधा कप के जितना, और आग फुल है। और इस स्टेज पर अब मैं, क्योंकि चिकन भी गल गई है, टमाटर भी गल गए हैं, सारी चीज़ें मिक्स हो, अब इस स्टेज पर मैं इसमें स्पैगेटीज ऐड कर लूँगा पानी डाल के। इसमें पूरा 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया, इसको बहुत तेज़ आग पे हम मिक्स करेंगे। बहुत ही जूसी बनते हैं ये, ड्राई नहीं होते, पानी डलता है तो वो
जो अब इस पानी में ही है। सोते के साथ ही पानी भी साथ साथ तकरीबन सारा हो गया। कितने पानी सारा इसका खत्म हो गया। अब आप चूल्हा बंद कर दें और अब हम इसको असेंबल करेंगे, प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही जूसी बने हैं ये, स्पाइसी भी। आप चाहें तो थोड़ा सा स्पाइस इसमें तेज भी कर सकते हैं। मज़ेदार से स्पाइसी स्पैगेटीज, चिकन स्पैगेटीज स्पाइसी तैयार।